गुरमुख प्यारियो, मेरा सतगुरु नानक चैनल सबसक्राइब कर लियो। सो वीडियो नू शेयर करियो। सो प्यारियो, फतेह बुलाओ, पहला आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारियो, आपां जिहड़ियां बेनतियां सांझियां करनियां ने, ये बहुत जरूरी बेनतियां ने। सो प्यारियो, समझण दा विशा है, बहुत जरूरी है। वेखो, शब्द दे विच इन्नी ताकत है, जे आपां समझिए तां जिहड़ा बंदा शब्द दी ताकत नूं समझदा है, वह भावें पूरी दुनिया नाल टक्कर लै ले। जिहड़ा बंदा शब्द दी ताकत नूं समझदा है, इस ताकत तो जाणू है। सो प्यारियो, उस बंदे दा कोई कुछ नहीं विगाड़ सकदा। जे गल करिए शब्द की है, शब्द की है, शब्द गुरु दा स्वरूप है, शब्द ही गुरु है। सो प्यारियो, जिसदा होवै वल सो कदे ना हारदा। सतगुर सच्चे पातशाह जी कहिंदे, जिहदे वल गुरु आप हो जाए वह कदे नहीं हार सकदा। सतगुर जिहदे वल हो जाए, लख बाहां भावें एक तरफियां हो जाण, ते उहदा कुछ भी विगाड़ नहीं सकदियां। मेरे सतगुरु ने समर्था समझाई है गुरु दी, मेरे गुरु ने अहमियत समझा दिती कि प्यारिया सजना याद रखी कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ये पावन बाणी, ये शब्द जिहड़े ने ये आत्मा दा परमात्मा नाल मेल कलाउण दे लई काम आउंदे ने। ते याद रखी, जदों आत्मा दा परमात्मा दे नाल मेल हो गया ना, ते याद रखी प्यारिया, फिर तेनू सारा कुछ चंगा ही चंगा लगेगा। याद रखी, जदों तेरा शब्द दे नाल वरतीरा सैट बैठ गया, तेरा कोई कुछ नहीं विगाड़ सकदा। दुनिया दियां ताकतां भावें एक क्यों ना हो जाण, दुनियावी ताकतां एका क्यों ना कर लैण कि तेनू हराउणा है। ते प्यारिया, याद रखी, ये दुनिया दियां ताकतां तेनू हरा नहीं सकणगियां। मत भुली कि तू गुरु दे वल दा होना चाहीदा। गुरु नू अपने वल किवें करीदा प्यारियो, पाठ करिए, नितनेम करिए। देखो, दुनिया ने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र बनाए। कोई कहिंदा ब्रह्म अस्त्र दा जाप करो जी, कोई कहिंदा जी ऐ करो जी, कोई कहिंदा ताकतां मिल जांदियां ने। पर प्यारियो, मैं इत्थे बेनती करां कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने चौपाई साहिब दा पाठ दिता, जिहड़ा सारे ब्रह्म अस्त्रां दा अस्त्र है। चौपाई साहिब दे पाठ विच इन्नी ताकत है, जे आपां वैसे तो सारी गुरबाणी सत्कार योग है, जपजी साहब का पाठ करिए, चौपाई साहब के पाठ करिए, जाप साहब के पाठ करिए, कदे पुरातन कथावां सुनियो, कदे पुराने जिहड़े ने विद्वान साडे ज्ञानी ठाकुर सिंह वर्गे। सो प्यारे, दमदमी टकसाल वाले बाबा जरनैल सिंह भिंडरां वालियां दी कदे कथा सुनियो। सो गुरमुख प्यारियो, बाबा जिहड़े साडे महापुरख ने, उन्हां दे पुराने कदे तुसी समय दे नंगे होए इतिहास दियां कथावां कहानियां सुनियो। सो तुहानू पता लगूगा कि इन्हां बाणियां दे विच किन्नी वड्डी ताकत है। गुरमुख प्यारियो, सतगुर सच्चे पातशाह ने ते बाणी विचों सारा कुछ खोल के बयान कीता। मेरे पातशाह कहिंदे ने, याद रखियो सजनो, सतगुर की है, सतगुर सब कुछ है, तो वह सब कुछ कर सकता है। तो जदों तू उन्हूं ध्यावेंगा, तू उहदे नाल लगेगा ना, अकाल पुरख दे नाल जुड़ेगा, तो वह सारियां ताकतां तेरे अंदर ट्रांसफर कर देगा, तेनों सब कुछ वह दे देगा। भगत कहिंदे, भगतां तैसै सारियां जोड़ कदे ना आया। जिन्हों परमात्मा ने सारियां ताकतां देतियां, अपने वर्गा बना लिया, तो याद रखियो फिर उहदा दुनिया नाल तालमेल सैट नहीं बैठदा। भगत कबीर जी होए, भगत रविदास जी होए, किन्ने भगत होए। सो प्यारियो, जिन्हां दी गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज है, मैं इत्थे सारिआं दा नाम लैवां ते समां बहुत लगना है, पर प्यारियो याद रखियो, जिन्हां ने गुरु नूं एकमिक मन्निआ, जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब दे हो गए, जिहड़े सतगुर सच्चे पातशाह दे हो गए, सो प्यारियो गुरु ने उन्हां नूं अजिहीआं ताकतां दित्तीआं, दुनियावी ताकतां मिल के भी उन्हां दा कुझ नहीं विगाड़ पाईआं। भगत कबीर जी का जीवन पढ़ियो, भगत कबीर जी नूं मारन दे लई
बड़े उपचार किए गए समय की सरकार वालों बादशाह दे वालों पर प्यारियो भगत कबीर जी नूं बन के हाथी मूहरे सुटिया गया, डबोण की कोशिश की गई, जलाउण की कोशिश की गई, पर भगत कबीर जी का कख ना विगड़िया। क्योंकि रब रब जिन्हां दे वल हो जांदा जिसदा होवै वल सो कदे ना हारदा। सो प्यारियो जिसदा साहिब डाढ़ा होए तिसनों मार ना सकै कोई। गुरबाणी पढ़े हो प्यारियो, हर एक गुरबाणी का जिहड़ा प्रमाण है ना सतगुर सच्चे पातशाह दे के समझा रहे ने कि प्यारियो याद रखी जदों गुरु दा होवेगा सतगुरु दा होवेगा ते गुरु की ड्यूटी गुरु की जिम्मेवारी बनती है कि तेनू तत्ती वाह ना लगे। तू सतगुरु का है तो सतगुर का बन के रही, दुनियावी ताकत भी तेरा कख नहीं बिगाड़ सकदियां। मैं बेनती करा थोड़ा जा ध्यान दवाव प्यारियो। भाई अमृतपाल सिंह खालसा जी भावें वह 36 दिन रूपोश रहे पर गुरबाणी का नितनेम करते रहे। अज इस गल का सबूत है कि डिब्रूगढ़ जेल के भावें हकूमत ने NSA लाता, UPA तहत परचा नहीं दर्ज किया, NSA लाया गया, नैशनल सिक्योरिटी एक्ट। यदा मतलब होंगे कि देश की विरोधी ताकत के नाल बंदा मिलया होया, साढ़े देश लिए ये बंदा खतरा है। चलो वक्रा विषय, आप यही अरदास करांगे कि उन्होंने जल्दी रिहाई होवे, और जल्दी वापस आउण बाहर आउण जिन्हें भी नौजवान ने जिन्हां ते झूठे परचे दर्ज होए ने। वैसे इहो जी कोई गल है नहीं जो सरकार ने गलत किया, जिन्हां दे उत्ते बलात्कार दे केस ने वो बाहर ने, जिन्हां दे उत्ते देश नूं खतरा है वो लोग बाहर ने, जिन्हां ते कतल मर्डरेस्ट होर फिरौतियां दे केस ने वो लोग बाहर ने। अमृतपाल ते इहो जे केस च कितें इनवॉल्व भी नहीं हैगा ते वो बंदा देखो जेल च बैठा है। चलो वखरा विषय, पर मैं इत्थे बेनती करा प्यारियो, डिब्रूगढ़ केंद्रीय जेल दे विच भाई साहब बैठ के नितनेम करते ने, पाठ करते ने। सो सुखमनी साहब दे पाठ भी होंदे ने। हकूमत वल्लों NSA लाया गया, असाम 2500 किलोमीटर पंजाब तो दूर भेज दिता गया, तां भी कोई मत्थे ते शिकन नहीं। जिस दिन गिरफ्तारी दिती उदन भी चढ़दी कला दे विच संगत दे नाल मुखातिब होके सतगुर सच्चे पातशाह नूं नतमस्तक होके दरबार साहब तो बाहर आके भय तो मुक्त होके डर तो मुक्त होके उन्होंने सतगुर सच्चे पातशाह नूं हाजर नाजर मान के अपनी गिरफ्तारी दिती। क्योंकि सतगुरु ते भरोसा है, जिहड़े गुरु दे हो जांदे ने गुरु उन्हां नूं भरोसे की दात बख्शदा। आपां अरदास विच्चों भी कहिंदे आ बख्शो जी सिखां नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, दाना सिर दान, नाम दान, भरोसा दान। प्यारियो भरोसा कि इन्हां अपना भरोसा गुरु ते बन सके कि गुरु साडा डाढ़ा है, गुरु साडा महान है। इस करके प्यारियो गुरु दे लड़ लगीए, सतगुरु दे लड़ लगीए, सतगुर सच्चे पातशाह दे जदों लड़ लगांगे उहदे बन जांगे ते गुरु कदे तत्ती वाह नहीं लगण दिंदा। याद रखियो, बेनतियां प्रवान करियो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।